एक्सीडेंट्स एक्सीडेंटल नहीं, एक्सीडेंट कोई भी होता है तो किसी ना किसी की गलती जो होता है, ड्राइवर की गलती हो, व्हीकल में कोई कमी हो या सड़क में कोई कमी हो, ड्राइवर शराब पी के चला रहा है, ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत देर से चलाता आ रहा है, या ड्राइवर की निगाह कमज़ोर है, उसे दिख नहीं रहा है, ये सब चीज़ें हैं जिनसे एक्सीडेंट होता है। दूसरा, सड़क में कमी, बहुत सी जगह पे ऐसा है कि सड़क में एक्यूट मोड़ है जो आगे का दिखता नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पर सही तरीके से सड़क होनी चाहिए। बहुत से हाईवेज पर गांव की सड़क सीधी आ रही है, वो लोग पार करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह से व्हीकल में कमी हो सकती है, उसका ब्रेक फेल हो जाए, ब्रेक बहुत पुरानी डग्गा मार गाड़ियाँ चली आ रही हैं, उससे एक्सीडेंट होता है। तो मैं और सबसे बड़ी बात यह है, हमको ये सोच लेना चाहिए कि एक्सीडेंट किसी ना किसी की गलती से हुए हैं, किसी ना किसी की कमी से हुए हैं, एक्सीडेंट अपने आप नहीं है, और एक्सीडेंट दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट से इतनी मौतें होती हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। हमारे बरेली में ही लगभग 45 से 50 मौतें हर महीने में होती हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग विकलांग होते हैं और उससे कहीं ज़्यादा लोग तो चोट लगती है जिन्हें कई कई महीने लेटना पड़ता है, और ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी थी। मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक्सीडेंट प्रिवेंशन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और सड़क सुरक्षा के लिए 17 से 22 जून का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, सड़क पर दुर्घटनाएँ होती हैं और इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। सर क्या नाम आपका? मैं SK बैनर्जी, रीजनल मैनेजर उत्तर प्रदेश परिवहन। बताइए। हम लोग जो है 17 से 22 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, इसलिए एक नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, ताकि परिवहन निगम के चालकों को इस स्वास्थ्य शिविर में परीक्षण किया जा सके, और इसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने समय समय पर विभाग के विभागीय प्रोग्राम सेमिनार हम लोग आयोजित करते हैं। कानपुर में प्रशिक्षण संस्था में भी प्रतिमाह हम लोग चालकों को भेज कर वहाँ ट्रेनिंग दिलाते हैं, तथा गाड़ियों में स्पीड कंट्रोल डिवाइस और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से इनको जागरूक करते हैं, ताकि एक्सीडेंट न्यूनतम हो या ना हो। 17 तारीख को जब माननीय विधायक ने उद्घाटन किया, उस दिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ा वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन आरटीओ ऑफिस में कराया था, जहां हम लोगों ने यातायात संबंधी जानकारी दी थी। उसके बाद परिवहन विभाग के सारे अधिकारी रोड पर जाकर ट्रैफिक रूल्स के सारे नियमों का, चाहे वो दुपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, उसका पालन कराया। उस समय हम लोगों ने जो लोगों ने ट्रैफिक रूल्स का पालन किया उनको हमने उस कुछ लेकर प्रोत्साहित किया, और जिन लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन किया उसके करीब हम लोगों ने 500 चालान भी किए। चालान किए, अब आप देख रहे होंगे कि उसका प्रभाव, जिसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग रहा, उसका प्रभाव ये है कि जनपद में 70 से 80% लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने लगे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी हमारा बहुत सहयोग प्रदान किया। आज भी हमने एक कार्यक्रम किया जो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा हेलमेट को पूरे जनपद में एक बाइक रैली निकाली गई, जिससे करीब 500 लोगों ने भाग लिया, और उसमें सभी लोगों ने सिर पर हेलमेट लगा के अपने हाथों में तकिया लेके कि हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नशे में पान न चलाएं, इस संदेश को लेकर पूरे शहर में एक बाइक फॉर्म रैली का आयोजन किया। हम उस संदेश को जरूर प्रसारित करना चाहते हैं जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। हमारे जनपद में करीब 11 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ हर 3 साल में कोई 10 डेथ हो जाती है या एक ही बार में 10 डेथ हो जाती है। उन ब्लैक स्पॉटों पर हमने अपना जागरूकता कार्यक्रम के लिए कैंप का आयोजन किया, और सभी वहाँ जितने नगरवासी या क्षेत्रवासी या ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या
ऐसे ही स्तर पर हम लोगों ने सप्ताह में सारे कार्यक्रम आयोजित किए। आज यहाँ का जो कार्यक्रम है उसका भी यही उद्देश्य है कि हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स, खासतौर से जो परिवहन निगम के ड्राइवर्स हैं, उसका विशेष तौर पर आई टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। उसका उद्देश्य इतना है कि उनको केवल ये नहीं है कि उनके लिए अगर उसमें कोई कमी आती है, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके वजह से उनको कोई सर्दी से प्रॉब्लम हो, बल्कि उनको हिदायत दी जाएगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप दिन का सही ढंग से परीक्षण कराएं। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग कभी दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते।